अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फ्लाटी। फ्लाटी की तरफ से हम आप लोगों को वेलकम खुशाबदीद करते हैं। आज हम बड़े ही स्पेशल फार्म पे आए हैं और ये फार्म है भाई अब्दुल मजीद साहब का। इन्होंने छोटी सी जगह पे बहुत ही खूबसूरत जानवर पाले हुए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो देखें कितने खूबसूरत और आला किस्म के आला नस्ल के जानवर पाले हुए हैं और बहुत ही असील नस्ल के जानवर हैं। और ये जानवर स्पेशली कुर्बानी के लिए इन्होंने तैयार किए हैं। और चले चलते हैं भाई मजीद की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इनका महाना और डेली बेसिस पे कितना खर्चा होता है और ये सेल परचेज कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई मजीद। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताएंगे कि जानवरों पे आपका डेली का जो डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है वो कितना है और महीने का और साल का जो है आपका कितना ये खर्चा हो जाता है? ये साल का 1.5 लाख रुपये एक जानवर खर्चा होता है और एक दिन का 1500 रुपये खर्चा है, पाँचों बार हैगा, और महीने का 45,000 रुपया खर्चा है जी। एक जानवर पे जो खर्चा है जी वो कितना है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया एक सांग जी। ये पाँचों जानवरों पे आपका कितना खर्चा हुआ? 7.5 लाख। 7.5 लाख ये एक महीने का है? नहीं जी, एक साल का। एक साल का, सॉरी। तो पाँचों जो जानवर हैं इनके इनका एक साल का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया। तो इसको डेली बेसिस पे आप क्या खिलाते हैं? ये गंदम का आटा है। अच्छा। मक्की का आटा है, सरसों का तेल, बाजरी का आटा हैगा और कौड़ी खल वगैरह, और जनाब मेरी टुकड़ा हैगा और साफ सोनी रोटी हैगी है। इसके बाद चावलों का आटा हैगा वगैरह वगैरह। हम इसको सुबह 15 किलो पांचों को देते हैं और सुबह फजर वेले पांचों को इतना दोबारा देते हैं। भाई मजीद, आपने इनको जानवरों को गर्मी में क्या दी हुई है? इनको तो बड़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर वगैरह का कैसे इंतज़ाम किया हुआ है? ये दरख्तदार हवा है, उनके नज़दीक नीचे बांध देते हैं। बहुत प्यारी ठंडी जगह है और दरख्तों की छाँव के नीचे बैठते हो तो थल्ले रेता ठंडा होता है, जिसके ऊपर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत मतलब कि इजी महसूस करते हैं, गर्मी नहीं महसूस करते। तो नाज़रीन, जो जानवरों की बैठने की जगह है वो इन्होंने ऑर्गेनिक यानी एक कुदरती तरीके से जो हवा का आमदोरफ्त है सायेदार दरख्तों में बांधते हैं, ठीक है, खुली जगह पे, और नीचे जो है बैठने के लिए वो ठंडी रेत वगैरह का इंतज़ाम करते हैं ताकि जानवरों को गर्मी वगैरह महसूस ना हो। तो आप इनकी बीमारियों के लिए कौन सा इकदाम करते हैं? हम इनकी बीमारियों के लिए मेडिसिन अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं और कोई घरेलू देसी दवा भी इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर बुखार वगैरह हुए तो हम इधर घर पर इसको टीका लगा लेते हैं, ज़्यादा तकलीफ हो गए तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। कोई भी मसला बनने पर डॉक्टर यहीं पर आ जाता है। तो आप इनकी सेल परचेज का जो है वो कैसे इंतजाम करते हैं? व्यापारी आपके पास खुद आते हैं या खुद आप मार्केट में लेके जाके सेल करते हैं? नहीं जी, व्यापारी हमको एडवांस बुकिंग पर फ़ोन कर देता है। अभी हमारे बछड़े हैं और बहुत ज़्यादा पार्टियां आ जाती हैं, इस तरह जनाब मेरी हम उनको बुलाते नहीं हैं। तो आपने आप वो आज इधर हमारे पास आ जाते हैं, यार हमारे बछड़े हैं, वो दूसरी पार्टी कहती है हमारे यहाँ, तो हमको मौका नहीं देते। एक को दो, दो को दो, बहुत पार्टियाँ हमारे पास आ जाती हैं। नाज़रीन का कहने का मकसद ये है कि इनके पास एडवांस में बुकिंग होती है, ठीक है, एडवांस में इनका जो माल है वो हाथों हाथ बिक जाता है, यानी माल ही इतनी आला क्वालिटी का। और माशाल्लाह, कैमरामैन ज़रा इधर दिखाए, बहुत ही असीम नस्ल के बछड़े और अगर हम कुर्बानी के लिए जानवर ढूंढने निकले तो ऐसे जानवर मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे तरीके से पाले हुए जानवर। आओ।
सभी नाजरीन ये देख रहे हैं आप कि किस तरह स्पेशली जो इनका जो फीड है वो तैयार हो रहा है, सॉरी तैयार हो रही है। तो इसमें भाई मजीद आपने क्या क्या ऐड किया हुआ है? एक गंदम का आटा है जी, मक्की का आटा है जी, बाजरी का आटा है जी, अच्छा चावलों का आटा है जी, मिट्टी के सरों है जी, और इसमें टुक्की है जी चावलों की, अच्छा ये टुकड़ा है रोटी का, अच्छा खूब अच्छा टुकड़ा, गुल्ली वाला नहीं है, साफ सुथरा टुकड़ा है जी, अच्छा और इसमें बकाया पानी डालकर इसको नरम किया हुआ है, ते मक्की का चारा है, यानी इसमें 10-12 आइटमें आप डेली शामिल करते हैं सुबह शाम, शाम को और फास्ट टाइम फजर, सुबह भी यही फीड होती है या और होती? फीड होता है जी, अच्छा ते और इसके बाद पानी पिला के ठीक। ये बहुत प्यारा जानवर, मेरी वजह से डरता पे करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।